हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है। तकलीफ सहने की आदत तो हो ही गई है इसे, और सहे तकलीफ। आई भीमभाव के घर वाले कहीं दिख नहीं रहे हैं। ना रमा है, ना उनके दोनों साला साली। कब खाना बनाएंगे ये लोग और कब खाएंगे? लक्ष्मी, तुम्हें भी ना हमेशा दूसरों की पड़ी होती है। अरे हमें क्या, हमारा खाना बन गया है ना, वो देखेंगे अपना। वैसे आई, रमा आएगी तो बर्तन में भी हिस्सेदारी मांगेगी। एक कटोरी भी नहीं मिलेगी उसे हिस्से की। उसके बाप ने कमा के लाया है या पति ने? कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत ठीक है। इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? काम ज्यादा था इसलिए, और घर में कुछ अनाज भी नहीं थे तो अनाज के पैसों की व्यवस्था की। मैं बर्तन लाती हूँ और खाना बनाती हूँ। नहीं, बर्तन नहीं मांगना है उनसे। क्यों? और बिना बर्तन के खाना कैसे बनेगा? खाना तो बनाएंगे, भूख लगी है, लेकिन उनसे बर्तन नहीं लेंगे, क्योंकि कब से ये दोनों यहां बैठकर मुझे यही सब सुना रही है। एक भी बर्तन नहीं लेंगे। अरे ऐसे कैसे भीम, पड़ोसी कब काम आएंगे? पड़ोसी को बर्तन देने की परंपरा पुरानी है, और जब भी रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो पड़ोसी तो उसको बचाते हैं। तू रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आती हूँ। चल उठ यहाँ से, हटो यहाँ से। बर्तन नहीं देंगी आप? वैसे कैसे नहीं देगी बर्तन? क्योंकि मैं कह रही हूँ। मैं देखती हूँ कैसे रोकती है तू मुझे। आप नहीं देंगी बर्तन। जीजा भाई, बुआ। ए, पीछे बुआ, आप परेशान मत होइए। आज रमा भाई खाना बनाएगी भी और अपने पति को खिलाएगी भी, और इस घर का एक बर्तन भी नहीं लेगी। अच्छी बात है। और रमा, इस नई गृहस्थी को बसाने में तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ देगा। चलो। हमें पैसे दीजिए। पैसे? काहे के पैसे? चूड़ियां बिकवाने में हमने आपकी मदद की थी ना, उसके बदले आपने हमें पैसे देने के लिए कहा था। अरे तुम लोग तो बाजार में ऐसे भटकते हुए चले जा रहे थे। अरे मैंने सोचा ऐसे चिल्लाने से अच्छा है हमारे लिए चिल्लाओ। चलो जाओ यहाँ से। ऐसे मत कीजिए, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अच्छा बेटा, पैसों की तो सबको जरूरत है। देखो आज तुम्हारा चिल्लाने का अभ्यास हो गया ना, कल ऐसे ही चिल्लाना, कोई ना कोई ढंग की नौकरी तो तुमको मिल ही जाएगी। चलो भागो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब हैं। हमने आपकी मदद की थी ना, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे दूर हटो, छोटी जाति के होकर हमको छू रहे हैं, खुद तो निकृष्ट है, हमको भी भ्रष्ट करने चले।
इतने पत्थरों से चूल्हा बन जाएगा ना? हाँ बन तो जाना चाहिए, खाना तो हम बना लेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई शंकर और छोटे दिखे नहीं घर में। बच्चे खेलते होंगे। लेकिन इतनी देर, पहले घर चल के खाना बनाते हैं, वो आ जाएंगे। अब चलिए। चलो परिवार से अलग खाना खाने का दुख मुझे भी है, लेकिन जब से शादी करके आई हूँ तब से पहली बार शांति से खाना खा पाई हूँ। ना ही किसी ने आपको ताना दिया और ना ही किसी ने मुझे सुनाया कि तुम्हारा पति कमाता क्यों नहीं है, सब्जी के दाम कितने हो गए हैं, राशन कहाँ से आता है, वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा ये बताओ, राशन के पैसे कहाँ से लाए तुमने? आज काम का पहला दिन था, मैंने कुछ भी पैसे नहीं दिए और घर में कुछ भी राशन नहीं है, आज मैं खाना क्या बनाऊंगी? उनकी तबीयत पहले से खराब है, आज उन्होंने खाना नहीं खाया तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, मैं कहां से लाऊं पैसे और कैसे लाऊं? डॉक्टर साहब मुझे खून बेचना है। डॉक्टर साहब मुझे भी खून बेचना है। डॉक्टर साहब मुझे खून बेचना है। खून बेचने से पहले पेट भरा होना चाहिए, आपने कुछ खाया पिया है? हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। इन्हें अंदर ले जाओ, बेड पर लेटाओ, मैं अभी आता हूँ। जहाँ काम कर रही हूँ वहां से उधार मांग के लिए। कौन है वो सेठ, नाम क्या है उनका? क्या करेंगे आप उनका नाम जानकर? नहीं बस, वो उन कम लोगों में से एक है जो हमारे जात के लोगों की मदद करते हैं, तो उन्हें मिलूंगा, उनसे धन्यवाद कहूंगा। आपको शक हो रहा मुझ पर कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शक? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है इसका, गलत समझ रही हो तुम। मुझे कुछ नहीं समझना, आप जाके सो जाइए, मैं बाहर जाके आती हूँ। रमा रमा टीम सही पूछ रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए? बाबा उनके सामने ना। नहीं रमा, उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में उसकी जो पत्नी है वो कैसी है, कहाँ जाती है, क्या करती है। रमा भीम के सवालों का जवाब दो। आई बाबा तो ऐसे बड़े दार्शनिक बनते हमेशा आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो सब भूल क्यों जाते हैं? माफ कीजिएगा लेकिन बाबा ने जो किया ना वो सही नहीं था। अरे बेटे और बहू क्या खाने ही था तो कम से कम हमारे सामने तो नहीं खाते। सही कह रही हूँ आई, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, अब बुरा लग रहा है वो अलग। ए इधर आओ। कहाँ? सोने।
तुम्हारे बाप का घर है, बंटवारा हो गया इस घर का, अब तुम्हारी सोने की जगह वहां अपने ताई और जीजा जी के घर में। लेकिन ये जीजा जी का घर है। जीजा जी का घर है तुम्हारे? बंटवारे का मतलब समझते हो? अलग अलग रहना। चलो निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हो, निकलो। चलो नाटक, कितना नाटक करती है। अपने उसका हाथ क्या पकड़ लिया, चिल्लाने लगी वो। आई इस घर में ना पापा से लेके छोटी तक सब आपको गलत साबित करने पे ही लगे हैं। लक्ष्मी सही क्या गलत क्या ये नहीं सोचना है आप मुझे। हर रिश्ते को निभाने में शायद पीछे रह गई मैं, लेकिन रमा और भीम के साथ दुश्मनी निभाने में हमेशा अव्वल रहूंगी, और इस वजह से मैं किसी के भी लिए कितनी भी बुरी बन जाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं, समझी? चलो भैया जी, पैसा ले लो अपना, लो। चलो जयराम जी की। अरे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले। ए, कौन है रे तू? अरे रास्ते में क्यों खड़ा है? अच्छा इसके पक्ष में आया तू? हाँ नहीं, आपके विपक्ष में आया हूँ, आपकी मानसिकता के विपक्ष में आया हूँ। देखो ऐसा है कि ऐसी धमकियों से मैं डरने वाला हूँ नहीं, समझ गए तुम? और बात रही पैसे की ना, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस ये जवाब दीजिए, आपने इतने छोटे बच्चों से काम करवाया, आपको जरा सा भी गलत नहीं लगा? वाह, क्या क्या दोगला आदमी है ये। खुद जब इसी बच्चे से फटी पुरानी किताबें खरीदने के लिए आवाज लगवाते थे तब वो सब सही था, अब जब इन्होंने ये सब किया तो ये गलत हो गया। वाह, ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आए हैं यहाँ, बल्कि हम तो परीक्षा देने जा रहे थे। देखा कि यहाँ भी तुम्हारा नाटक शुरू है, तब रुके यहाँ। आओ, ये आदमी बहुत ही लाचार, नहीं 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 नहीं, नहीं। चालाक, गरीब, बेशरम है, और यही नहीं ऊपर से छोटी जात का है। छोटी जात का है तो उसका लालची होना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, अगर आप इसे इसके काम के बदले धन दे देते तो ये खुश हो जाता, लेकिन आपने इन्हें धन नहीं दिया तो आ गया यहाँ लड़ने, बहस करने, भाषण देने। पहली बात तो ये कि मैंने अपने मर्जी से शंकर से काम नहीं करवाया था, ये खुद हमारी चाल में ठेला लेके आए थे, इन्होंने शंकर को मेरे साथ आने के लिए मजबूर किया था। तुम भी जाओ अपने जीजा जी के साथ अंगार बेचने। नहीं शंकर, तू मेरे साथ नहीं आएगा, यहीं पे रहना। भीमराव, जो मैं कहूंगा वही होगा। और उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी मजबूरी थी, लेकिन हाँ जो मैंने किया वो भी गलत ही था,
लेकिन आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए, अपने इतने छोटे बच्चों से काम करवाया है। बात सिर्फ मेरे साले और साली की नहीं है, किसी भी बच्चे से काम करवाना गलत है। हमें इन्हें पढ़ने देना चाहिए, पढ़ लिख कर ये आगे जाकर जो चाहे करे, जो चाहे बने, लेकिन इस उम्र में काम करवाएंगे तो आगे जाकर ये सिर्फ मजदूर बन के रहेंगे। इमराव, कोई कुछ भी बने, ये तुम्हारा साला मजदूर ही बनेगा। और एक, एक, एक बात बताओ, ये जो प्रवचन तुमने दिया है, ये कहां से सीखा? ये किस कानून की किताब में लिखा है? ऐसा कोई नियम है क्या? हा? नियम नहीं है तो वो बनना चाहिए, और नियम चाहे बने या ना बने, लेकिन छोटे बच्चों से काम करवाना गलत है। हमें इन बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास पैसे मांगने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूं, मैं बस ये बताने के लिए आया हूं कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत ही किया है। पहले आपने इन्हें लालच दी, इनसे काम करवाया और फिर धक्के देकर भगा दिया। आज आपने ये सब मेरे साले और साली के साथ किया है, कल किसी दूसरे बच्चों के साथ भी आप यही सब। इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम्हारी भीमराव। सोचो, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है उसका प्रयोग करो। अगर आज तुम कमा रहे होते, कुछ काम कर रहे होते, तो तुम्हारे साले साली को काम करने की आवश्यकता नहीं होती, और अगर वो यहाँ काम करने नहीं आते तो ये स्थिति ही नहीं होती। बोलिए। सही बात है सर। तुम ही भीमराव हो, सुना है तुम्हारे बारे में? मेरे बच्चे आके बताते हैं, तुम्हारे चौल के बच्चे तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। और पता है ये सारे बच्चे कहाँ मिलते हैं? पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हैं। पहले अपने चौल के बच्चों को जाके रोको, फिर आना यहाँ पे भाषण देने, समझ गए ना तुम? दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जब बात अपनों की आती है ना तो जबान बंद हो जाती है। मसीहा बनने का शौक है ना, तो जाओ जाके समझाओ अपने चाल के बच्चों को। अरे आदत, आदत है ऐसे भाषण देने की, तो वही करने आ गया, भाषण देने। हाँ भीमराव, चलो भाई सब काम पे चलते हैं अपने अपने। ज्ञान देने से पेट नहीं भरता है, समझ रहे हो ना? इसलिए तुम खड़े होकर यहाँ अपना ज्ञान बांटो, हम जा रहे हैं काम पे। बात करते हैं। चलो अब हम भी चलते हैं परीक्षा देने। अब क्या है कि हम तो बदनसीब है नहीं, कुछ लोग होते हैं बदनसीब, साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं दे पाते। चलो। पर तुम मुझे समझा दो भीम, मेरे घर में चार लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ मैं और मेरा बेटा, हम दोनों मिलकर कमाते हैं, तब हर शाम खाना बनने के बाद यह राशन का डब्बा खाली पड़ जाता है। दिन भर ना कमाए, वो राशन के डब्बे में मुट्ठी भर अनाज ना पाए और पूरा घर भूखा सो जाए, इसलिए भेजती हूँ बेटे को कमाने। मैं इसे यहीं रख के जाती हूँ, तुम्हें कोई तरीका मिले तो बता देना, ताकि बेटा पढ़ भी ले और ये राशन का डब्बा खाली भी न पड़े। तो भेज दूंगी पढ़ने उसे, मैं तुम्हारे तरीके का इंतजार करूंगी।
भीम बेटा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भूख की आग में सबसे ज्यादा कुछ जलता है तो भविष्य जलता है। ज्यादातर आई बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पद पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने यही राशन का खाली डब्बा नजर आता। इसे ना रास्ते से हटाया जा सकता है और ना ही नजरें चुराकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन बाबा, किसी ना किसी को तो बलिदान देना होगा ना। बलिदान देने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है, पर जहां पेट भरना ही मुश्किल हो तो कोई क्या करेगा। मैं काकी को जाकर बताती हूँ कि उनका सोचना अपनी जगह जायज है, अपने परिवार के भूख से लड़ना उनकी जिम्मेदारी है और उसका रास्ता निकालना भी। हम सब लगभग एक ही हालात में जी रहे हैं, तो किसी और का चूल्हा कैसे जलेगा या हम क्या बताएं। रमा, काकी ने जो सवाल पूछा है उसका हल सूझ रहा हो तो बताइए, मैं हर लड़ाई में आपका साथ दूंगी, लेकिन सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। भाई, आपको भीम भैया के घर जाने के बाद उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बेटा तू क्यों, भीम की इज्जत मैं भी बहुत करती हूँ, पर मैं वहाँ लड़ने नहीं गई थी, बस सवाल पूछने गई थी। और जब तक उसका जवाब नहीं आ जाता तब तक तो ना ही स्कूल जाएगा और ना ही फैक्ट्री। समझ में आया ना? चल अब घर में। काकी, दिग्गा परिणाम लक्ष्मी, तुरंत मान गई रमा कि पैसे जीवन जीने के लिए कितने जरूरी होते हैं, और ये दोनों, इन्हें भी ऐसा लगा कि बच्चों का काम करना बिल्कुल सही है। फिर अगर बच्चों का काम करना सही है तो बड़ों का काम करना सही क्यों नहीं, पूछो अपने बाबा से। अब रमा और भीम तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं है और ना ही तुम्हारे पैसे से खाते हैं, तो इनके मसले में तुम अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो? भीम से ही सीखा है, बच्चा किसी और का, फैक्ट्री किसी और की, लेकिन नाक अपनी घुसानी है। रमा, मैं तो कहती हूँ कि तू और शंकर दोनों काम पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि तेरे पति तो बस भाषण ही देते रहते हैं। और देखना, वो दिन दूर नहीं है जब सबको ये समझ में आ जाएगा कि भीमबाव के भाषण सुनने से उनके जीवन में सिर्फ खाली डब्बा आएगा। हटिए, ये जगह हमारे हिस्से की है, झाड़ू लगा देती हूँ, फिर काम पर भी जाना है।
क्या कहा भीमराव? कुछ भी, कोई भी काम। भीमराव सोच लो, सोच लो तुम क्या कह रहे हो। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं लगवाता हूँ तुम्हारी नौकरी। बस वहां जाकर ये मत कहना कि मैंने फलाना पढ़ाई की है, फलाना के यहाँ नौकरी की है और ढिमकाना ज्ञान रखता हूँ। नरोत्तम, भीम की मजबूरी का मजाक मत बनाना। मैं करूंगा नौकरी। ठीक है, बिल्कुल। वैसे मैं तो हूं ही समाज से, सबका कल्याण करता हूं, तो तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। कल सुबह 9 बजे मेरे घर के पास आकर मिलो, वहीं तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा और नौकरी भी दे देंगे। प्रणाम गुरुजी, चलते। ये क्या तुम्हें नौकरी देगा भीम? अरे ये तो बस तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाएगा। गुरुजी, फिलहाल मैं उस हाल में हूं जिस हाल में कोई मेरे मजबूरी का मजाक बना के भी मुझे नौकरी देता है, तो वो करने को मैं तैयार हूं। अरे सुनो सुनो भाइयों, सब लोग आओ। अरे जल्दी आओ बाबा। क्या बात है? अरे पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है, कई बच्चे जलकर मर गए, कितने तो घायल है और कोई गायब है। मेरा दीपक, क्या बोल रहा है तू? कब हुआ ये? अरे अम्मा अभी, जल्दी चलो। जल्दी अम्मा, चलो चलो मंगेश, जल्दी आओ। पुष्पा, अंदर मत जा। शंकर अंदर ही है। मुझे छोड़िए, मैं जाके ढूंढूंगा। शंकर अंदर नहीं होगा, ढूंढेंगे। वो अंदर ही है। नहीं होगा रमा, रुक जा। बाबा, बाबा शंकर नहीं मिल रहा। मिल जाएगा बेटा। शंकर, शंकर, रमा, भीम, नहीं होगा। शंकर, आप धीरे से, कुछ बच्चे अंदर रह गए हैं, कुछ बच्चे इधर हैं, कुछ अंदर भागो। नहीं, रुको रुको यार। रमा, संभाल अपने आप को। बाबा शंकर अंदर ही होगा। बाबा छोड़िए मुझे। नहीं, रुको रुको यार। क्या लगता है, शंकर मर तो नहीं गया होगा? ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए।
जब तक शंकर है तब तक भीम और रमा के जीवन में बोझ बनकर उनका जीवन बर्बाद करते रहेगा। अगर वो मर गया तो इन दोनों का जीवन और आसान हो जाएगा और ये हम नहीं चाहते। तो क्यों ना मैं दीदी और जीजा जी के लिए मर ही जाऊं? ये तो अच्छा हुआ कि छोटी चाचा के यहाँ चली गई। मैं यहाँ से भाग गया तो धीरे धीरे मरा हुआ माने लेंगे, थोड़े दिन रोएंगे धोएंगे फिर भूल जाएंगे, फिर कहीं मैं कुछ ना कुछ करके जी लूंगा। कम से कम दीदी और जीजा जी पे बोझ तो नहीं बनूंगा। हम दोनों के बिना दीदी और जीजा जी की जिंदगी आसान हो जाएगी। यही कही मेरा भाई चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा। भीम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं शंकर को। चल। नहीं नहीं आप इनके पास रहिए आनंद भैया। बाबा आप संभालिए इसे। सुनिए ना आप, रमा आपने अभी कहा ना कि कुछ बच्चे भाग गए। किस तरफ भाग गए? उस तरफ गए। बुआ आनंद भैया मैं आता हूँ काका।